स्वागत है आप सभी का। साथियों 27 नवंबर 2020 को आगामी आने वाले 27 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की परीक्षा है। बहुत कम समय बचा है। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस परीक्षा में करीब 70,152 स्टूडेंट पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। दोस्तों हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है हर एक कैटेगरी के बारे में, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हर एक कैटेगरी का क्या मिनिमम फिजिकल की कट ऑफ रहेगी और क्या मिनिमम, मैक्सिमम नहीं दोस्तों, मिनिमम इसका जो कि फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, हम आपको मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ बताएंगे। तो दोस्तों आपको जिससे मालूम हो जाएगा कि मिनिमम कितना नंबर चाहिए एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सीवीटी एग्जाम स्टडी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों हम आप सभी को सबसे पहले चलिए यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें मिनिमम कितना नंबर आपको लाना है कि आपकी वर्दी आपकी बन जाए। आपको बता दें दोस्तों, ये आज हम आप सभी को पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी का पर्टिकुलर एक कितना नंबर चाहिए, यानी फिजिकल के लिए कितना नंबर चाहिए और आपकी फाइनल मेरिट के लिए कितना नंबर आपको चाहिए, उसमें आने के लिए अपना नाम देखने के लिए कितना नंबर चाहिए, सब कुछ बताते हैं। दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा क्या क्या हम बता रहे हैं। दोस्तों मेल वालों को कितना नंबर लाना है, आप यदि मेल से बिलोंग करते हो तो आपको 72 नंबर ये फिजिकल के लिए और फाइनल मेरिट में आने के लिए 78 नंबर मिनिमम दोस्तों लाना है। हमने सेफ स्कोर के बारे में आप सभी को तो बता रखा है पहले ही कि सेफ स्कोर 80 प्लस है, लेकिन दोस्तों आज सेफ स्कोर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कट ऑफ के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों ये हम जो 72 बताए हैं ये फिजिकल के लिए कट ऑफ बताए हैं, ये फाइनल के लिए बताए हैं। तो यहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लिया जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 68 आपको जो कि चाहिए इसमें फिजिकल के लिए, और दोस्तों फाइनल के लिए आपका कितना चाहिए, आपको केवल 72 चाहिए। फीमेल जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। अब बात कर लें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना नंबर चाहिए। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मेल की बात किया जाए तो मेल कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए 68 नंबर चाहिए और दोस्तों फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 72 नंबर चाहिए। दोस्तों यही फीमेल कैंडिडेट की बात कर लिया जाए, अगर फीमेल कैंडिडेट से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा नंबर नहीं दोस्तों 64 नंबर चाहिए और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 69 नंबर चाहिए। आप सभी को बता दें दोस्तों अगला एससी एसटी कैंडिडेट वालों का कितना कट ऑफ रहेगा। आप सभी जरा यहाँ फोकस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेल कैंडिडेट का हम बता रहे हैं। मेल कैंडिडेट से यदि कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो दोस्तों उसको जो कि इसमें फिजिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए 61 नंबर और फाइनल में केवल 66 नंबर की आवश्यकता रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसकी अगर मेल के बाद फीमेल की बात कर लिया जाए तो इसमें 58 नंबर और आपका ये इसका फाइनल में जाने के लिए 63 नंबर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा देखिएगा मेल कैंडिडेट का कितना रहेगा। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट का इसमें केवल फिजिकल पास करने के लिए 52 नंबर, फाइनल के लिए 59 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर यहीं पर बात कर लिया जाए फीमेल कैंडिडेट वालों का, फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों इसमें 49 नंबर और जो कि फाइनल सेलेक्शन लेने के लिए चाहिए केवल 55 नंबर। दोस्तों यहीं पर अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन में मेल कैंडिडेट वालों के लिए दोस्तों फिजिकल के लिए केवल 52 नंबर चाहिए और जो कि फाइनल के लिए 55 नंबर चाहिए। दोस्तों और यहां पर बात कर लिया जाए फीमेल कैंडिडेट वालों की, फीमेल कैंडिडेट वालों के फिजिकल के लिए दोस्तों 45 नंबर और फाइनल के लिए आपको केवल
49 नंबर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने संपूर्ण एनालिसिस के साथ आपको कटआउट बता दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट्स करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें।